नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात टीवी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 96वीं किस्त है। गुज़िश्ता हफ़्ते आप हज़रात ने देखा था और सुना था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामसाइद हालात में किस आली ज़र्फ़ी, हौसलामंदी और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा अपने ठंडे गैर जज्बाती और बावक़ार तर्ज अमल से किया था और किस तरह हालात को अपने हक़ में फेर लिया था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, मदीने के यहूदी कबाइल एक तरफ अपनी जमी जमाई क़ुव्वत के ज़ाम में और दूसरी तरफ सियासी ज़रूरतों के तहत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दस्तूरी मुआहदे के पाबंद होकर इस्लामी रियासत के नज़्म में आ चुके थे। अव्वल तो वो इस नई सियासी सेटअप को वक्त पर पूरी तरह समझ भी ना पाए होंगे, फिर उनको उसके रोशन मुस्तकबिल की मुश्किल ही से कुछ अंदाज़ा हो सका होगा कि ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी से नशोनुमा पाएगी और चंद बेखानमा अफराद मदीने के अंसार के ताउन से ईमान व किरदार के बल पर तारीख़ की बागडोर थामने वाली क़ुव्वत बन जाएगी। उनके अंदाजे शायद ये रहे होंगे कि अपने शाख वतन से टूट गिरने वाली ये चंद मसली हुई खुश्क पत्तियाँ अव्वल तो हादिसात के झोंकों में उड़ जाएंगी और अगर ये पड़ी भी रहेंगी तो उनसे कोई चमन शादाब तो वजूद पाने वाला नहीं, मगर कलिमे तय्यबा की अजीम इनकलाबी रूह का एजाज था कि मुखालिफतों भरे माहौल में घिरी हुई चंद जानों से एक पुरजोर सियासी इमारत तश्कील पाती चली गई और चंद महीनों की गर्दिशों में यहूद को अंदाज़ा हो गया कि इस्लामी रियासत एक ऐसा चढ़ता सूरज है कि जिसके सामने उनके असर रसूख की मशालें रोशन न रह सकेंगी। खुसूसन जंग बद्र से इस्लामी तहरीक का न सिर्फ जिंदा व सलामत बच निकलना बल्कि आलम फतह लहराते हुए मदीना पलटना यहूदियों के लिए ऐसा हैरान कर देने वाला वाकया था कि यकीनन वो सारे मामले को अस्सरे नौ सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। नाज़रीन गिरामी, मुआहिदाना ताल्लुक ने इनको इस्लामी रियासत का हलीफ बल्कि पाबंद दस्तूर और कानूनी शहरी बना दिया था, लेकिन उनकी रूहें हरीफाना व बागियाना रुझाना से भरपूर थीं। मारे हसद के उनके जिगर अंदर ही अंदर कबाब बने हुए जाते थे। इस मुतजाद पोजीशन ने उनको फितना अंगेजी की राह पर डाल दिया। वह हर मौका सामने आने पर बल्कि ख़ुद ऐसे मौाक़े पैदा कर करके ये कोशिश करते कि किसी तरह इस्लामी माशरे की वहदत पारा पारा हो जाए, किसी तरह मुसलमानों को इश्तेआल में डाल दिया जाए, किसी तरह नज़्म को मुअत्तल किया जाए, लॉ एंड आर्डर को गारत किया जाए और बुहरान पैदा कर दिया जाए, किसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत को कमज़ोर कर दिया जाए, उन लोगों के अपने ही आदमी निफाक का जामा ओढ़ कर मुस्लिम माशरे के अंदर मौजूद थे और वो अंसार में से ज़ईफ़ुल ईमान लोगों को साथ मिलाकर यहूद के मंसूबों को जामे अमल पहनाते थे। इनकी नापरवर दुश्मनों की शरपसंदी ने एक राह ये निकाली थी कि ये लोग मुसलमान ख्वातीन के नाम ले लेकर फहश अशार कहते और उनको फैलाते फिरते, उनके नामूस को रुसवा करने की कोशिश करते। इस गंदी शायरी ने उनके जहनों को इस तरह पर नशोनुमा दी कि असमत जैसी बुनियादी तहजीबी कदर का एहतराम भी उनकी दिलों से उठ गया। यहूद के इस हयाबाख्ता जहन का इजहार एक मौके पर ऐसे हुआ कि कुछ यहूदी अफराद बिल्कुल बाजारी गुंडों की सतह पर उतर आए थे।
बनू कैनका की एक मुस्तकिल आबादी मदीने का एक जुज थी। उनके बाजार में एक मुसलमान अरबी औरत सौदा लेने गई। दुकानदार ने उससे छेड़छाड़ की और बिलआखिर उसे सरे बाजार नंगा कर दिया। इस हरकत पर वो और उसके हमजलीस शर्मिंदा होने के बजाय उसकी हंसी उड़ाने लगे। अरबी तरीके पर वो चिल्लाई और उसने मदद के लिए सदा बुलंद की। एक अरबी नौजवान की हमीयत उसकी चीख सुनकर हरकत में आ गई। उसने जोश गैरत में बेकाबू होकर बदमाश यहूदी को कत्ल कर दिया। अशरार की मुराद भर आई। मुसलमान अरबों और यहूदियों के दरमियान बलवा हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला हुई तो मौके पर तशरीफ ले गए। बनू कैनका को ऐसी गंदी हरकत पर मलामत की और मुतनब्बह भी किया कि आए गुरोह यहूद, अपनी इस्लाह कर लो, पेशतर इसके कि तुमको भी वही कुछ पेश आए जो कुछ के बद्र में कुरैश को पेश आया है। बनू कैनका के सीनों में चूंकि बरिवायत इब्ने साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुग्ज व हसद के जज्बात मौजज़न थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही तेज़ो तुंद लहजे में जवाब ये दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें अपने बारे में इस बिना पर कोई मुगालता ना हो कि तुमने कुरैश के कुछ आदमी मार दिए हैं। वो बेताकत लोग हैं, वो लड़ना जानते ही नहीं। खुदा की कसम, अगर तुमने हमारे खिलाफ तलवार उठाई तो तुम खुद जान लोगे कि हम हैं लड़ने वाले लोग, हमारी तरह के लोगों से तुम्हें हरगिज साबका नहीं पड़ा। सीरत इब्न हिशाम में ये वाक़या दर्ज है। नाज़रीन, यहूद को ये बात बहुत बुरी तरह खलती थी कि अंसार, जो इनके मुकाबले में ज़हनी और सियासी और माशी लिहाज से कमज़ोर थे, इस्लामी तहरीक ने उनमें ज़िंदगी की नई रूह दौड़ा दी थी और एक मुकद्दस नस्बुल आइन की लगन ने उनको आपस में भी और मुहाजिरीन के साथ भी वहदत की लड़ी में प्रो दिया था। यहूद का मशहूर समझदार ज़ईफ़ आदमी शास बिन कैस हालात की इस तब्दीली को बड़ी तशवीश से देखता और तहरीक हक़ के अलमबरदारों के ख़िलाफ़ उसका सीना हसद और कीने से भरा रहता। एक बार उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़का की एक मजलिस का मंज़र अपनी आँखों से देखा, जिसमें अवस और खिजरज के कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। उनकी बाहमी वुल्फत, खैर सगाली और इस्लाम की पैदा करदा इजतिमाईत का रंग देखकर उसका कलीजा जल भुन गया। कहाँ वो जाहिलियत की आवेजिश और कहाँ एक जान होने का यह मंज़र, दिल ही दिल में कहने लगा, इस शहर में अब कबीला यानी अंसारियों की औलाद बाहम शीर व शकर हो गई है। ये लोग अगर इस तरह मरबूत हो जाएं तो फिर हमारे लिए चैन हराम है। नाज़रीन गिरामी, इसके ख़ानदान ने एक मंसूबा पकाया और एक यहूदी नौजवान को उसने आलयकार बनाकर तलकीन की कि तुम जाकर उन लोगों में बैठो और उनमें घुल मिलकर जंगे बुआस और उससे कबल के मारिकों की याद ताज़ा करो, जबकि अवस व खिजरज लड़ा करते थे। चुनांचे इस आलायकार ने अपना पार्ट बखूबी अदा किया। एक मजलिस में अवस व खिजरज के लोग मिलकर बैठते थे। जाहिली तारीख का तारीख बाब उनके सामने आया तो वही मौजू ए गुफ्तगू बन गया। आहिस्ता आहिस्ता मुनाफरत होने लगी, तंजो तारीज की जाने लगी, तेज़ी आ गई। दोनों तरफ से जोशेले जांबाज आमने सामने आ खड़े हुए कि क्यों ना नए सिरे से मारिका लड़ा लड़के देख लिया जाए कि कौन क्या है। हथियार लाओ, हथियार लाओ का शोर बुलंद हुआ। अवस ने अवस वालों को पुकारा और खिजरज वालों ने खिजरजियों को पुकारा। मारिके के लिए जगह और वक्त का भी तयन हो गया। जोश में बिफरे हुए लोग तैयार होकर निकल ही रहे थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन में से चंद असहाब को लेकर मौके पर जा पहुँचे और उनको इन अल्फाज में खिताब फरमाया, ऐ ग्रोह मुसलमानान, अल्लाह अल्लाह करो बाद इसके कि अल्लाह ने तुमको इस्लाम का रास्ता दिखाया और इसके ज़रिए तुम्हें सर बुलंद किया, तुम्हारी गर्दनों से निज़ाम जाहिलियत का कलादा काट फेंका, तुम्हें कुफ्र से नजात दिला दी और तुम्हारे दिलों को मोहब्बत से जोड़ दिया, तुम मेरे पास मौजूद होते हुए जाहिलियत के नारे बुलंद करने लगे हो। ये तकरीर सुनकर लोगों ने महसूस किया कि यह सारा हंगामा शैतानी फितना है और दुश्मनों की रखना अंदाजी का मिन्नतकश। उन्होंने नदामत से गर्दनें झुका दी और मलिहाना शान से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वापस हो गए। ऐसा ही एक मौका गज़वे बनू मुस्तलिक के सफ़र में पेश आया।
जहां यहूद के आलाय कार बनने वाले मुनाफिकीन ने अब्दुल्ला इब्न उबै के ज़ेर इशारत मुहाजिरीन व अंसार में खौफनाक हद तक इश्तियाल पैदा कर दिया। इसका तज़किरा हम कर चुके हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर भी बड़ी हिकमत से सूरत हाल को संभाला था। इस तरह के फितनों में सबसे बढ़कर मुनज़्ज़म फितना वो था जिसने मस्जिद ज़र्रार की सूरत में ज़ुहूर पज़ीर हुआ। इस फितने का असल बानी मबानी क़िबले खिजरज का एक शख्स अबू आमिर राहिब था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से कबल यह अपने इल्म किताब और दीनी सलाहियत की वजह से बहुत बाअसर था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आकर मरजाए ख़ास व आम बन गए, सबके महबूब बन गए, तो अबू आमिर के असर व रसूख का चिराग गुल हो गया। दिल ही दिल में कुड़ता रहा। बद्र के वाक़े ने जो मुस्तकबिल इसके सामने नुमाया किया, इसका मुशाहिदा करके उसकी आँखों में नश्तर उतर गए। उसने एक तरफ जंगी उहद के लिए सरदारान मक्का को उकसाया, दूसरी तरफ अरब के मुख्तलिफ सरदारों से साजबाज की, तीसरी तरफ ख़ुद अंसार को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आलम बगावत बुलंद करने की दावत दी, और चौथी जानिब हिरक्ल रूम को फौजें चढ़ाने की दावत दी। उसने मुनाफिकीन से साजबाज की कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला करने के लिए एक मुतवाज़ी अड्डा खड़ा किया जाए। चुनांचे इसी मनसूबे के तहत मस्जिद ज़र्रार खड़ी की गई। इस मरकज़ फसाद के बानियों ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े ड्रामाई अंदाज में दरख्वास्त की, हमने ये मस्जिद ऐसे कमज़ोरों और माजूरों के लिए तामीर की है जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, नीज़ अंधेरी रातों और बारिश और तूफ़ान की सूरत में आसपास के लोग इसमें आसानी से जमा हो सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें चलें, इसका इफ्तिताह फरमाएं और इसे बरकत अंदोज़ करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तबूक रवाना हो रहे थे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को वापसी तक के लिए मुलतवी कर दिया। वापसी में वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतनब्बे कर दिया गया कि और वो लोग जिन्होंने इस्लामी माशरे को ज़र्र पहुँचाने, कुफ्र करने, मुसलमानों के दरमियान फूट डालने और पहले से खुदा और रसूल के ख़िलाफ़ जंग करने वालों को घात लगाने का अड्डा फराहम करने के लिए मस्जिद खड़ी की है, और हाँ वही जो कस्में खा खा कर कहेंगे कि इस काम में हमने तो फ़क़त नेक मकासद मलहूज़ रखे हैं, इनकी हकीक़त ये है कि अल्लाह गवाही देता है कि वो कतई तौर पर झूठे हैं। महकब नाज़रीन, मस्जिद ज़र्रार की यह दास्तान भी आगे बढ़ेगी। इसमें मस्जिद जंगे बुआस का भी जिक्र आया है, इसके अलावा जंगे बद्र का भी जिक्र आया है। ये सारी चीज़ें तारीख़ के हवाले से और सीरत के हवाले से वक्तन फ़वक्तन इसकी तफसीलात आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगी। यहाँ वक्त हो चला है, मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।